अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ फ्रेंड टोस्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। फ्रेंड टोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने जो ब्रेड ली है, 6 अदद मेरे पास स्लाइस हैं। मैंने मिल्की ब्रेड यूज़ की है, आपने भी मिल्की ही यूज़ करनी है, नमकीन ब्रेड बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, उससे फ्रेंड टोस्ट जो हैं वो मज़े के नहीं बनते। 3 अदद मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह वन बाय वन तोड़ के बीट करूँगी। आप सेपरेट सेपरेट, अगर गर्मियाँ हों तो सेपरेट सेपरेट अंडा डालें, क्योंकि अंडे अक्सर ख़राब निकल आते हैं, फिर उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने 6 अदद स्लाइस लिए हैं, इसलिए मैं 6 खाने के चम्मच ही इसमें चीनी ऐड करूँगी। अब इन्हें इतनी अच्छी तरह बीट करूंगी कि चीनी जो है वो अच्छी तरह अंडों में डिजोल्व हो जाए। 5 से 10 मिनट जब अच्छी तरह आप इसको बीट कर लेंगी और आपको फील हो कि इसके अंदर अब चीनी की कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही, तो आपने इसके अंदर 1/2 कप जो है दूध वो ऐड करेंगे। यहाँ फ्राई पैन में मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी के लिए हैं। आपने फ्रेंड टोस्ट या तो देसी घी में बनाएं या फिर आप बटर में बनाएं, ऑयल में बिल्कुल भी मत बनाइएगा, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता उससे। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर स्लाइस ऐड करूँगी। स्लाइस को आपने अच्छी तरह इसके अंदर डिप करना है ताकि ये मिक्सचर को अंदर ऑब्जर्व कर लें, इतने भी अच्छी तरह नहीं कि ये टूट जाएं। आंच आपने हल्की रखनी है, तेज आंच में इसको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऑयल कम यानी कि घी ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप 4 की जगह 2 ऑयल भी डाल सकते हो। तो बच्चों को तो देसी घी वगैरह मक्खन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आप मज़ीद अपने जो ब्रेड है वो आप फ्राई करो। अगर आपको फील हो कि इसे मिक्सर अच्छी तरह नहीं गया तो आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हो इस तरह, क्योंकि ये जितने सॉफ्ट और जूसी होंगे उतने ही ये मज़े के लगते हैं। जब दोनों साइडों से गोल्डन हो जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। आपने इन्हें पलटते रहना है और चेक करते रहना है, जैसे ही दोनों साइडों से इक्वल गोल्डन हो जाएं तो फिर आपने इनको डिश आउट कर देना। फ्रेंड टोस्ट जो हैं देखें रेडी हैं, आप भी इस तरह बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर इस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।